आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यक्रमों की परमिशन के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आवेदन किया और उसके बदले में भद्दी भद्दी गालियां लिख के, परमिशन तो रिजेक्ट की ही गई, साथ में भद्दी गालियां भी लिख करके जवाब दिया गया। इस मामले में चुनाव आयोग शुरू से ही लीपापोती की कार्रवाई कर रहा है। सबसे पहले चुनाव आयोग ने 5 निचले कर्मचारियों को सस्पेंड करके मामले को रफा दफा करना चाहा, लेकिन जब मामला पूरे देश में चर्चा में आ गया, अपनी तरह का ये इतिहास में पहला मामला था जब चुनाव आयोग की तरफ से किसी पार्टी को इस तरीके का जवाब दिया गया हो, तो फिर इस मामले में आगे कार्रवाई की गई। लेकिन जो पहले लीपापोती हुई उसको देखिए किस तरीके से कवर अप करने की कोशिश हुई। 5 कर्मचारी जिनको ये कहा गया कि हमने सस्पेंड कर दिया तुरंत प्रभाव से, वो कर्मचारी तो अनुबंधित कर्मचारी थे, HKRN के तहत उनको सरकार के काम में लगाया गया था, तो जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी है, अनुबंधित कर्मचारी है, उसको कौन से नियमों के तहत सस्पेंड किया गया था? IPC की धारा 166 और 167 ये कहती है, जब कोई सरकारी अधिकारी कोई गलत रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट बनाता है तो ये धारा उस पर लगती है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, उनके आधिकारिक पोर्टल पर किसी ने सिर्फ गलत डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, उसके अंदर भद्दी गालियां लिख के भेजी और उसके बावजूद भी ये धारा नहीं लगाई गई।